नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। यूपी बोर्ड परीक्षा में सरकार द्वारा नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर कई स्तर की निरीक्षण प्रणाली बीच, जहां कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दिया, तो वहीं सातिराना सोच के साथ कुछ एक परीक्षार्थियों ने बाकायदा मुन्ना भाई MBBS एस फिल्म की तर्ज पर परीक्षा में भाग लिए, परीक्षा प्रबंधन को चुनौती देने का साहस पाले हुए हैं। ऐसा ही एक मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के तपेश्वरी इंटर कॉलेज सरदहा से सामने आया, जहां अपने चचेरे भाई को पास कराने के चक्कर में एक शख्स ने बाकायदा योजना के तहत प्रवेश पत्र और आधार कार्ड में अपना फोटो लगाकर विगत 24 मार्च से परीक्षा दे रहा था। महाराजगंज पुलिस के अनुसार अविनाश कुमार पुत्र राम प्रसाद निवासी टौरा दयाल थाना बिलरियागंज ने अपने चचेरे भाई राकेश पुत्र हरिश्चंद्र निवासी खानपुर भगतपट्टी थाना महाराजगंज को परीक्षा में पास कराने के लिए परीक्षा फार्म भरते समय ही उसकी जगह पर अपना फोटो लगा दिया, जिससे उसका फोटो लगा प्रवेश पत्र आ गया। फिर उसने इस फेल प्रूफ बनाने के लिए अपने चचेरे भाई के आधार कार्ड में बदलाव कर अपना फोटो लगवाकर गत 24 तारीख से मास्क लगाकर परीक्षा दे रहा था, परंतु आज परीक्षा केंद्र पर सघन चेकिंग अभियान के दौरान प्राचार्य द्वारा उसे मास्क हटाने को कहा गया और मास्क हटते ही प्राचार्य को शक हुआ और उन्होंने महाराजगंज थाना प्रभारी हरेंद्र प्रताप सिंह को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी ने जब कलाई से पूछताछ किया तो उसने सारी कहानी बताई। पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने लाई और अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुट गई।